मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है। किस लिए? डैंड्रफ के लिए? नहीं है, स्किन वाले। आज? हाँ। आज कौन सा टाइमिंग है? 7:30 बैठ कर 6 बजे जाऊँ। रंधावा? हाँ। बूढ़ा सा? सही, मतलब जवान नहीं है अब, वो जितना हो उच्चा लंबा। बड़े पेशेंट आते हैं उसके पास। इतना जो शाम को बैठता है, प्राइवेट बैठता है। सुबह के टाइम तो इतना रश होता है, सुबह के टाइम फीस 250 होती है ना भाई, गवर्नमेंट की तरफ से होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ चेकअप की फीस 1000 लेता है, दवाई वगैरह लेता 1500 वो लेता है। जेबा ने भी इससे चेक कराया, मीना ने भी इससे चेक करवाया, मेरे हमें सिद्रा ने भी करवाया, ये इनकी अनम ने भी और सना ने भी। मुझे भी, मैंने एक उसने मुझे कहा था 3 वीक के बाद आना, तो मुझे तो काफ़ी फर्क पड़ा उससे। मुझे कहा था कि 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है इसका। कुछ को पहले फर्क पड़ जाता है, कुछ को देर से। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है जानी। पहली दफा काशा ही नहीं लैके तेन घर बैठ गई। पापा के भी है बहुत ज्यादा। हां दिखाती नहीं है, उसके तो बाल भी बड़े लंबे हैं। कभी खोल के भी आती है बाल? उसके पापा बाल स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं करने देते। क्यों? उसके पापा उसका अपर लिप्स भी नहीं करने देते। तो वो कौन सा देख रहे होते हैं, तो करवा के आ जाए फटाफट। नहीं करने देते, उसकी तो इतनी ज्यादा है। हां चेहरे पे अभी मासूमियत है, मासूम नहीं है मेरे ख्याल से। ये बात है रिकॉर्डिंग। मेरा तो दिल करता है मेरे सर में ये भी ना हो, कच्ची भी। तो मुझे बड़ा शौक है पालने का। खुद ही तो कह रही मुझे दिखाने का शौक नहीं है। आए हैं, मैं कह रही हूँ मुझे लाइक आप लोग ना स्वाद मिलता है, तो मालिश भी नहीं कराती है। कुछ कुछ अंदर पक्की नजर आ रही है मुझे। साइड जरा ऐसे कर लें, जरा अरे कोई जू चढ़ी है मुझे लग रहा है। ये पक्की तभी आती है, ये तक नजर आई है ब्रीक। फायदा हो गया ना दिखाने का। देखो ब्रीक कितनी। अम्मी की गल इतनी ब्रीक मैंने निकाली थी, वो इतनी तेजी से चली जा रही थी।
आगे वाली साइड में हमें ये पता क्या रीजन है, आप डायरेक्ट शैम्पू जो है ना इधर आगे फेंकती हो, आगे फेंकती इधर हमेशा, वो रीजन है। यहाँ आप पानी बहुत गर्म यूज करती हो यार, मेरे उसमें भी थी जब सर्दियाँ, जब मैं पानी ज्यादा गर्म इस्तेमाल नहीं करती थी तब भी थी। अच्छा, अभी भी मेरी कोशिश ये होती है कि जो सर के लिए ना पानी वो थोड़ा नीम गर्म, थोड़ा हल्का सा नीम गर्म। क्योंकि पीछे जो है ना वो कम है तो बहुत ज्यादा, हमारे में से किसी के सामने इस तरह की सिकरी तो किसी की नहीं। अभी थी वैसे नहीं, उसकी उड़ी पुड़ी थी लेकिन इस तरह इतनी नहीं है, उसके बाल ही बड़े हल्के हैं ना। आई आवाज की। आपने किया ना, हमने सुबह 9-10 बजे का किया। क्या खाया था? हम लोगों ने पराठे खाए थे। नहीं, मैंने तो दाल के साथ जो ही नान रात में, नहीं नहीं दूसरी वाली चने वाली, इसने गिरा दी है यार। वो इतना मजे की बनी हुई थी, पता नहीं वो किसी ने मेरे घर में नहीं यूज की, हिना ने थोड़ी ली है और शायद थोड़ी सी गुगू ने ली है। जो रात वाली बनाई थी वो भी बड़े मजे की थी। बोला रख देते मैं खा लेती। वैसे खुशकी से भी बड़ी खारिश होती है। हाँ मजे की बात बताऊं? मुझे नहीं होती। यू आर द अजीबोगरीब। नहीं होती यार, सीधे सी तो खुशकी ना इस तरह की होती है कि ये जब बारिश करने ना तो ये मूव करती है तो ऐसे लगता है सर में जूं चल रही है। नहीं होती। ये काब और बाज एक को ही कहते हैं ना? आई थिंक आई बाज टुक टुक, जिसके सर में से जुमे निकली है उसकी एक भी नहीं पक्की निकली, है ना की उसकी सारी कच्ची निकली है, उसकी जुए चढ़ी नहीं थी, लीखियां उसकी कच्ची थी और जुए उसकी पक्की थी। कितनी? तीन तो मैंने निकाली। हाँ तो तीन मैंने निकाली। अम्मी के तो कल मोटे मोटे पिद्दू। इस तरह से स्टाइल तो नहीं बना सकती बालों का, सारी खुश्की नजर आ जाएगी।
ऐसे बस ये ऊपर ही है, मुझे पक्की भी लग रही है थोड़ी।